मिर्जापुर के सफीरों का इस्तकबाल हस्तशान किया जाएगा और उनकी खातिर और मदारात का इंतजाम काशकन की शान के मुताबिक किया गया है। सारे महल में तलाश किया। हुजूर औलिया, मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि महल का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। कल सुबह मैदान खास में परवेज की मुंतजर रहूंगी। वो सुबह ही बारियाबी का फख्र हासिल करेंगे। हैरत, शहजादा इस वक्त तक महल में मौजूद नहीं और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है।
कोई प्रीत की रीत बता दो हमें, कोई प्रीत की रीत बता दो हमें, कोई मन का गीत मिला दो हमें, कोई ऐसा गीत सुना दो हमें। ये सरकार वो प्रीत की रीत का सबक खत्म हो गया? खत्म? अभी तो इब्तिदा हुई है सुहेल। अच्छा इब्तिदा। नाजू हुजूर तशरीफ ले जाइए। तकल्लुफ की इसमें क्या जरूरत है? जाइए जाइए एक पहर और सही। चलो भाई सुबह तक की छुट्टी हो गई। Ha 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 ha!
होता है नाजू? जो सिर्फ खाना बदोश ही समझ सकते हैं। क्यों? सुबह सफर, हर शाम सफर, इस दुनिया का है नाम सफर, है जिंदगी का अंजाम सफर। जब आखिर इस दुनिया से सफर ही करना है तो इंसान एक जगह पर कयाम क्यों करे? मेरा वक्त मेरा नहीं, अगर होता तो मैं अपनी सारी जिंदगी किसी कारवां के साथ बसर कर देता। तुम्हारे कारवां के साथ जरीना, और इसी तरह चलते चलते तुलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक, और फिर गुरूबे आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब तक, यूं ही चलते चलते। और फिर भी मैं ना थकता जरीना। किसकी तलाश में नाजू? किसकी तलाश में? हम सब एक ही चीज की तलाश में हैं जरीना। हम शहरों में, तुम जंगलों में, खुदा करे जब तुम्हें उस चीज की तलाश का ख्याल आए तो तुम्हारा सफर आसान हो। तुम न थको, तुम जल्दी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाओ। हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, और यूं ही नाजुक बेद की नाजनीन शाख की तरह लहराती बल खाती हुई। लो हाफिज, रुक सक। क्यों, क्या हुआ प्यारी? कुछ नहीं। ना कहोगी? क्या नाजू ने कोई बेइज्जती की बात की? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। प्यारी मुझसे कहो, प्यारी शहजादा साहब, क्या गुलाम दरियाफ्त कर सकता है कि शहजादा ये बुलंद मर्तबा कहाँ तशरीफ ले गए थे? क्या आपको मालूम नहीं कि मैं जिस्मानी रियाजत के लिए रोज सवेरे सैर को जाया करता हूँ? मगर गुलाम तो रात का जिक्र कर रहा है सरकार। निसफ शब के करीब उलिया हजरत ने हुजूर को याद फरमाया था और मैंने महल सरा का जर्रा जर्रा निगाहों की छलनी से छान डाला। तो कुछ गलत फहमी हुई होगी। साहब, कोई गलत फहमी की गुंजाइश नहीं। आप दुरुस्त फरमाते हैं सदर आजम, यह गलती मुझसे सरजद हुई। चांदनी रात को सुबह काजिब समझकर मैं सवारी के लिए निकल गया था। ठीक। सच फरमाते हैं सरकार, चांद की 28वीं को चांदनी हुआ करती है। इस बात का आज से पहले मुझे इल्म न था। सच है, सच है। आशंक के वली अहद, तख्त शाही आपके कदमों का मुंतजर है। जिंदगी और हुकूमत सहब के बगैर बेकार है। और फिर ये रातों की गैर हाजिरी। शहजादे साहब, आशंक के रियाया की उम्मीदें, आशंक के खूबसूरत कोई नौवारिद मालूम होती है। वलीहद की आला बिनाई की दाद देता हूं। मगर ये है कौन सदर आजम
उलिया हजरत की महल सरा के लिए। एक कनीज और कौन? मलिका के महल सराय के लिए। उलिया हजरत सुबह से आपकी मुंतजर है। मैं अभी हाजिर होता हूँ। तस्लीम अम्मा जान। मैं काशकंद के आइंदा बादशाह को सल्तनत के कारोबार में कुछ ज्यादा सरगर्म देखना चाहती हूँ और उसको उसके फराइज की जिम्मेदारी याद दिलाना चाहती हूँ। मैं इस जिम्मेदारी को कभी नहीं भूला अम्मा जान। ये सुनकर मैं बहुत मसरूर हूँ। हाँ, मैंने एक सफीर विद्यापुर भेजा था, वो वापस आ गया है। वहाँ की शहजादी की शादी के इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। किसके साथ? काशकंद के वली अहद यानी तुम्हारे साथ। आज मेरे नूर नजर परवेज को दुनिया भर के शहजादे और बादशाह रश की निगाहों से देख रहे हैं। टीकम का अमीर अपनी शान और शौकत पर बड़ा नाजा था, पर हम शाह विद्यापुर के ममनून हैं कि उन्होंने तुम्हें अपनी फर्जंदी के लिए कबूल फरमाया। ताज्जुब है। ताज्जुब है या इंतहाए मसरत? मगर अम्मा जान, मैं शादी नहीं कर सकता। तुम शादी नहीं कर सकते? क्यों? जिस शहजादी को मैंने देखा तक नहीं, कि आदत खूबू सीरत तक से वाकिफ नहीं। नहीं नहीं, मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। मेरे प्यारे शहजादे, जरा समझने की कोशिश करो। तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। शाह विद्यापुर ने तुम्हारा रिश्ता मंजूर करके टीकम के अमीर और दूसरे बादशाहों को अपना दुश्मन बना लिया है, और अब तुम शादी करने से इनकार करते हो। परवेज, तुम माँ के जज्बात को समझने की अम्मा जान, अम्मा जान, आप मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए। परवेज, तुम वली अहद सल्तनत हो। तुमसे कबल बहुत से बादशाहों और शहजादों को हुकूमत तख्त और ताज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां करनी पड़ी हैं। अपने दिल को मजबूत करो और खुदा मालूम। प्यारी अम्मा, काश कि मैं बादशाह के घर पैदा ही ना होता। आप समझ लीजिए कि आप बेऔलाद हैं। आप समझ लीजिए कि परवेज मर गया। लेकिन मुझे अंधाधुंध शादी करने पर मजबूर न कीजिए। मैं समझ लूं कि मैं बेऔलाद हूं। मैं समझ लूं कि परवेज मर गया। परवेज, जब तुम साहिब औलाद होगे, उस वक्त तुम समझोगे कि तुमने ये कह के अपनी माँ को कितना दुख दिया। माफ कीजिए प्यारी अम्मा, आप माँ हैं। बेटे की मजबूरी पर तरस खाई। मैं तक तो ताज कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपनी आजादी कुर्बान नहीं कर सकता। परवेज, परवेज, क्यों, खैरियत तो है सरकार? ये परेशानी कैसी? कुछ ना पूछो सुहेल, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे उम्र भर के रफीक के सिर पर मुसीबत शादी करने का फैसला कर दिया है। शहजादों की शादी शहजादियों से हुआ करती, इसमें मुसीबत है। शहजादों की शादी शहजादियों से हुआ करती, इसमें मुसीबत है। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, इतना नहीं समझते। मैं उस शहजादी के साथ शादी करने पर कैसे रजामंद हो जाऊं
जिसको मैंने आज तक देखा नहीं, जिससे मुझे मोहब्बत नहीं। लेकिन हुजूर, एक खानाबदोश लड़की से शादी करने की आपको कौन इजाजत दे सकता है? आप काशकंद के बादशाह होने वाले हैं। एक मोहब्बत न करने वाली शहजादी से एक मोहब्बत करने वाली खानाबदोश लड़की बदरजहा बेहतर है। हुजूर, उलिया का इकबाल ज्यादा नहायत परेशानी का मामला है, पर भी विजयपुर की शहजादी से शादी करना नहीं चाहता है। जरा ख्याल फरमाइए, ये किस तरह परेशानी की बात है। बेशक सदर आजम, जरा गौर फरमाइए, टीकम के अमीर से तो दुश्मनी हो ही चुकी, अब इस इनकार से विजयपुर के बादशाह से भी दुश्मनी हो जाएगी। अकेले हम लोग किस किस का मुकाबला करेंगे? इस परेशानी से बचाने के लिए कोई तरकीब सोचिए और फौरन इंतजाम कीजिए, वरना सारे मुल्क में बेचैनी फैल जाएगी। रुलिया, आप परेशान न हो, मैं एक तजुर्बेकार आदमी हूँ और इन नौजवानों के चाल चलन से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं अभी जाता हूँ और शहजादे से दरियाफ्त करता हूँ कि इस इनकार की क्या वजह है। आप इत्मीनान रखें, मैं शहजादे की रजामंदी की खुशखबरी अभी सुनाता हूँ। मैं आपकी कामयाबी की मुंतजर हूँ। कहाँ? प्रीत नगर। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। शहजादा वली अहद कहाँ है? वो अभी तशरीफ ले गए हैं, वो घोड़े पर सवार होकर गए हैं। कहाँ गए? कहाँ कहाँ गए हैं? हुजूर, शहजादा साहब ने सिर्फ इतना फरमाया था कि मैं प्रीत नगर जाता हूँ। प्रीत नगर, वो कहाँ है? हुजूर, ये मुझे मालूम नहीं कि कहाँ है, और मैं भी तो नहीं जानता कि कहाँ है। तुम नौजवानों के अजीब तरीके हैं, ताज्जुब। क्या खबर लाए सदर आजम? शहजादा वली अहद का कहीं सुराग नहीं मिलता है, और कोई नहीं जानता कि वो कब वापस आएंगे। लेकिन वो कहाँ चला गया? ये तो कोई नहीं कह सकता कि वो कहाँ तशरीफ ले गए हैं। सुहेल कहता है कि वो प्रीत नगर गए हैं। प्रीत नगर? जी हुजूर, मैं तो नहीं जानता कि प्रीत नगर है कहाँ, हमारी सल्तनत में तो है नहीं। लेकिन सदर आजम, आपने ये भी सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? सोच रहा हूँ कि क्या होगा। तो अब हमको क्या करना चाहिए? आप परेशान न हो, शाह विजयपुर अपनी तौहीन समझकर अगर हम लोगों पर चढ़ाई कर दे तो बड़ी मुसीबत का सामना होगा। जी हुजूर, बड़ी मुसीबत होगी। तो फिर इस मुसीबत को टालने की कोई तदबीर? सोच चुका हूँ, आखिर काशकंद का सदर आजम हूँ, जंग से नहीं डरता, दावत से नहीं घबराता, ये सब खेल मेरे खेले हुए हैं। लेकिन इस प्रीत नगर का पता कैसे लगाऊं? आखिर दुनिया के किस हिस्से में वाकई हुआ है? तो फिर इस मुश्किल का कोई हल? ये भी सोच चुका हूँ, शाहान काशकंद की कदीमी रस्म के मुताबिक शाही ताज और तलवार भेजकर शादी की रस्म अदा कीजिए। जब तक शहजादी का काफिला काशकंद तक पहुंचेगा, उस वक्त तक शहजादाए बुलंद इरादा भी प्रीत नगर से वापस आ जाएंगे। ताज्जुब। Thank you.
भी फौज जमा करने के लिए इंतजाम करो। विद्यापुर ने हमारी तौहीन की है और मैं इस तौहीन के बदले उसे रुए जमीन से मिटा दूंगा। जाओ विद्यापुर से वापस आ गया। विद्यापुर का रिश्ता काश्तन से तैबाक का, शहजादी काश्तन की तरफ रवाना भी हो चुकी है। क्या शहीन को देखकर हम खामोश रहे? जाओ बेहतरीन रिसाला रवाना करो और फौरन हमला करो। कितनी जुरत कि अमीर टीकम की तौहीन करे। जहां पना आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, तौहीन का बदला पूरी तरह लिया जाएगा। मगर इस वक्त विद्यापुर पर हमला करने से कुछ हासिल नहीं, जबकि हमारा शिकार काश्तन के रास्ते में शाहजादी का काफिला सीतम की तरफ से बिल्कुल करीब है। इसकी तरकीब से शाहजादी को अपने पंजे में गिरफ्तार करके हुजूर की खिदमत में हाजिर करूंगा। इंतकाम की यही बेहतरीन सूरत है। बहुत ठीक राय, लेकिन किस तरह? मैं हुजूर को काश्तन का रास्ता अभी दिखाता हूं। शाहजादी का काफिला अभी इस मकाम पर होगा। हम लोग इस जगह छुप कर काफिले का इंतजार करेंगे। Yeah.
ये लोग कौन हैं? ये खाना बदोशों का काफिला है। काशकन के पेशरो अपने खेमे वहीं से कुछ दूर पर लगा रहे हैं। जासूसों की जबानी मालूम हुआ है कि उनका काफिला अभी चंद साथ में यहाँ आ पहुंचेगा। किस्मत ने खूब यावरी की, वो फौरन मेरे पास हाजिर हो। तुम कौन हो? कौन हो तुम? भाग जाओ यहाँ से, वरना गोली का निशाना बना दी जाओगे। हाय हाय जवान, खैर तो है, गोली का निशाना बने हमारे और तुम्हारे दुश्मन। मैं तो तुम्हें गबरू जवान देखकर तुम्हारे खातिर ही आई थी। दूर हो मुर्दार, झूठी कहीं की, मेरी खातिर यहाँ आई। तुम्हारी जवानी पर तरस खाकर तुम्हारे लिए खबर लाई थी। क्या भक्ति है बुढ़िया, किसी ने तुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। हम कोई चोर चकार हैं? हम तो सैलानी खाना बदोश हैं। आज यहाँ कल वहाँ, और मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्र चोटके हैं। कैसे कैसे? जिनसे बूढ़ा जवान हो जाए। अच्छा, जिस औरत की तरफ देखो वो तुम पर लच्छू हो जाए। अच्छा अच्छा, तो बैठो। तुम सच तो कहती हो ना? अजी आजमा लो, इसे पीस कर और सुरमे में मिलाकर एक एक स्लाइस दोनों आंखों में लगा लो। बस फिर जिस औरत की तरफ नजर भर कर देखोगे, अगर साथ ही साथ खिंची ना आए तो फिर कहना बुढ़िया झूठी थी। हाँ, अगर अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए कुछ नजर ना आए तो घबराना मत। है? नहीं नहीं। और देखो नौजवान, मैं हाथ देखकर किस्मत बताने में बड़ी दस्तगार रखती हूँ। तो फिर देखो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तुम्हारा सितारा अभी गर्दिश में है, है? थोड़े दिनों में इसके चक्कर से निकल जाओगे। चांद सी दुल्हन ब्याह लाओगे, बड़ी तनख्वाह पाओगे, 12 बच्चों के बाप होगे। पहली जोरू मर जाएगी, है? दो और शादियां कर जाओगे और दोनों से 10-10 बच्चे होंगे। अरे तोबा तोबा। अच्छा, अब तुम पूछ चुके। जरा मेरे लाल, मुझे शहजादी के खेमे में जाने दो। भैया, शहजादी की किस्मत बताऊंगी तो कुछ इनाम पाऊंगी। मगर याद रखना, हमारी शहजादी को अनाप शनाप बातें मत बताना। जी बेटा, जीते रहो। Thank you.
مسرت کے جلسے میں خلل اندازی کی معافی چاہتی ہوں. کیا شہزادی صاحبہ اپنی آئندہ قسمت جاننا چاہتی ہیں؟ میں ہاتھ دیکھ کر بتا سکتی ہوں. کیا تم ہاتھ دیکھنا جانتی ہو؟ غیب کا علم جانتی ہو؟ غیب کا علم غیب کا علم تو خدا جانتا ہے، لیکن بڑے بوڑھوں نے جو کچھ سکھایا ہے وہ ضرور جانتی ہوں. اچھا تو دیکھو، بڑی بلند قسمت ہو. لیکن بیٹی، یہ باتیں تو تنہائی میں کہنے کی ہیں. ٹھہرو، جا تم سب چلی جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ. یہ لکیر محبت کی ہے. عمر اور دولت سے زیادہ قسمت میں محبت لکھی ہے. اچھا، محبت کا سکھ لکھا ہے یا دکھ؟ شہزادی صاحبہ کی دو اور بہنیں ہیں، مگر قسمت میں بھائی نہیں. بھائی بہن کا قصہ چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ محبت میں سکھ ہے یا نہیں. سکھ میں یہ نہیں بتا سکتا. کیا میرا شوہر مجھ سے محبت کرے گا؟ افسوس، میں یہ بھی نہیں بتا سکتی. دیکھو، میں بیجاپور کی شہزادی ہوں، تاشکند کی ولی عہد کی بیوی ہوں. میں نے اپنے شوہر کو ابھی تک نہیں دیکھا اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے. کیا میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہوگی؟ بول تو خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا انہیں مجھ سے محبت نہ ہوگی؟ میری امیدیں خاک میں مل جائیں گی. کیا میں اپنے شوہر کی محبت سے محروم رہوں گی؟ بتا، صرف مجھے اتنا بتا دے. معاف کیجئے شہزادی صاحبہ، میں نے محبت کا حال کہہ کر آپ کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا. مجھے نہایت افسوس، سخت افسوس. کمبخت منحوس، میرے اس چین اور سکھ کی زندگی میں تو نے اپنے منحوس قدم سے ہیجان پیدا کر دیا. تو کون ہے، یہاں کیوں آئی؟ تیرے اس مشکوک جملے نے میرے عشق کے خواب کو دکھ اور پریشانی سے بدل دیا. کوئی ہم مسرت کی محفل میں کیوں خلل انداز ہوئی؟ شہزادی صاحبہ، افسوس ہے کہ اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی. میں جتنا جانتی ہوں اتنا بتا دیا. ہاں، اس سے زیادہ بتانے والے لوگ بھی موجود ہیں. وہ کہاں ہیں؟ ہر جگہ. ہم لوگوں کے خیمے کے قریب ہی ایک درگ رہتے ہیں، جو آدھی رات سے صبح تک دریا میں کھڑا ہو کر وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک عبادت کرتے ہیں. دنیا سے مطلب نہ لالچ سے کام، غیب کی باتیں جانتے ہیں.
और दिल का हाल बताते हैं। तो जा उन्हें यहाँ ले आ, उन्हें मुमांगा इनाम दूंगी, तुझे भी तेरी उम्मीदों से ज्यादा माला माल कर दूंगी। जा जा, उन्हें जिस तरह मुमकिन हो सके अपने साथ लिया। नहीं नहीं, वो अपने खेमे से दुनिया की किसी शहजादी के लिए भी नहीं निकलेंगे। जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े बादशाह खुद आते हों, वो दूसरों के दरवाजे क्यों जाने लगा। लेकिन बेटी, उनका खेमा यहाँ से बहुत करीब है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी और बहुत जल्द वापस ले आऊंगी। चलो, डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारी सूरत देखते ही वो तुम्हारे किस्मत का हाल बताएंगे। तो तुझे कौन है? तुम न जाओ नाजू, तुम न जाओ। क्यों? मुझे डर लगता है। ओह, तुम डरती हो जरीना? ये तो औरतें हैं, इनसे क्या डर? नाजू, मैं दुनिया के किसी मर्द से नहीं डरती, लेकिन औरत के साए से मेरा दिल कांप उठता है। नाजू, मैं इनसे बहुत डरती हूँ। हेलो जरीना, कुछ समझ में नहीं आता, देखो तो क्या मामला है। तुम ना जाओ नाजू, नाजू। यही ठहरो बेटी, मैं अभी आती हूँ।
तुम मेरा यही इंतजार करो। नहीं नहीं, मुझे वापस जाने दो। बेटी तुम डरती क्यों हो? यहाँ तुम्हें कोई ईजा नहीं पहुंचा सकता। मैं अभी आती हूँ। से मेरे खेमे में ले आओ, तुम्हें इतना इनाम मिलेगा कि उम्र भर के लिए दौलत से बेनियाज हो जाओगे। जाओ जाओ, देर मत करो। तैयार हो जाओ, क्यों ही मेरी दस्तक की आवाज सुनो। समझ लेना कि मैं कामयाब हो गया, और एक लम्हे का इंतजार किए बगैर पालकी को उठाकर हवा हो जाना, और सीकम की महसरा में पहुंचने से पहले दम भर के लिए भी न रुकना। शराब की गफलत की सजा मौत होगी। मत डरो बेटी, फकीरों के दरबार में डर कैसा, ये तो अल्लाह वाले लोग हैं। बैठो। साईं बाबा मेरी गरीब बच्ची पर तरस खाइए। अच्छा अच्छा, इसको इसकी किस्मत का हाल बताइए। तेरा शौहर तुझे देखते ही तेरा मतवाला हो जाएगा। एक दिन भी रंज और गम पास ना आएगा। बेटी आराम से बैठो। मरहबा बर के जमाले या
प्यार तुझ पर से मरहबा जो से जुनून इश्क की रुतवाया मरहबा जो से जुनून इश्क की रुतवाया अलविदा काफिला वाला मुझे अब छोड़ दो रात को तुम्हारे साथ एक नौजवान लड़की कौन थी और कल रात को तुम्हारे साथ नौजवान लड़की कौन थी हैं? शायद जरीना जाओ जाओ अभी रात का खुमार नहीं उतरा मैं तुम्हारी चालबाजियों में आने वाला नहीं बताओ वरना तुम्हारी जान की खैर नहीं मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ ये तुम बहकी बहकी बातें क्या कर रहे हो तुम जिस लड़को उस काफले से इस खेमे की तरफ ले गई थी वो लड़की कौन थी कौन है और कौन नहीं है मैं क्या जानूं कौन है शहजादी की कोई कमीज होगी शहजादी ये शहजादी कौन थी दुनिया भर की शहजादियों की फेहरिस्त तुम मेरे पास है नहीं तुम उसका नाम जानती हो तुम मर्दों को तो अल्लाह मियां ने अक्ल को भी नाम के वास्ते नहीं दी ऐसा ही है तो खुद जाकर दरियाफ्त कर लो वो शाही खेमा देखो अगर मुझे उस लड़की का पता न मिला तो तेरा गला घूंट दूंगा किसके खेमे हैं अंधे हो क्या दिखाई नहीं देते काशकंद के शाही खेमे काशकंद के शाही खेमे भाई हम मुसाफिर हैं हम काशकंद के शाही खेमे क्या जाने मुसाफिर हो तो हट कर चलो गुलाम हाजिर है सुहेल दारुसल्तनत तक पहुंचने में सिर्फ 7 रोज का सफर रह गया है तमाम काशकंद शहजादे की शादी की खुशियां मना रहा है महल सरा में शादियाने बज रहे हैं लेकिन शहजादे का कुछ पता नहीं मैं मलिका को क्या मुंह दिखाऊंगा क्या तुमने उस जगह का पता निकाला क्या नाम उसका क्या नाम प्रीत नगर हाँ प्रीत नगर ताज्जुब आप इतने फिक्रमंद क्यों होते हैं हुजूर क्यों ना हो शहजादे साहब वक्त पर पहुंच ही जाएंगे मैं कैसे मान लूं कि पहुंच जाएंगे तुम नौजवान बेवकूफों का कोई एतबार नहीं जाओ अपना काम करो hey!
शहजादे साहेब, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला कहा थे? सदर आजम कहा है? खुदा का शुक्र है कि आप आ गए, वरना हमारे सदर आजम तो होश हवास खो चुके थे, अक्ल से हाथ धो चुके थे। चलिए 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 चलिए। कहिए सदर आजम अच्छे तो रहे? अच्छा रहा, खाक अच्छा रहा। आप खुद कहाँ थे और कैसे रहे? सुनिए, आप जिन शहजादी साहिबा को अपने हमरा काशन लिए जा रहे हैं, मुझे उनकी एक कनीज की तलाश है। कौन कनीज? क्या मैं उनका नाम दरियाफ्त कर सकता हूँ? नाम? नाम तो मुझे मालूम नहीं। तलाश भी है और नाम भी नहीं मालूम, ताज्जुब। शहजादा साहब, शहजादी के हमरा बहुत सी कनीजें हैं और वो सब उन्हीं के साथ रहते हैं। उन सब का देखना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो एक काम कीजिए, फरमाइए, मेरी असलियत को बिल्कुल पोशीदा रखिए। ठीक है। और शहजादी साहिबा की खिदमत में मुझे इस बहाने से ले चलिए कि शहजादगंज ने एक ऐसे मुगनी को भेजा है जो अपने नगमों से आपकी कतले सफर को दूर कर देगा। दुरुस्त, बहुत ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि तनीजे भी वहाँ मौजूद होंगी। हाँ, जरूर होंगी। बस फिर मैं ढूंढ निकालूंगा। और सुहेल, तुम इसका इंतजाम कर दो। चलो। हो गया है सीना खुश है, लज्जते परा तकलीफ पर दादा दिए सब में जिकर गए। तकलीफ दादा दिए सब में जिकर गए। नजारे ने भी काम किया है वान काब का, नजारे ने भी काम किया है वान काब का। टोपी से हर निकास ऊपर बिखर गए हैं, टोपी से हर निकास ऊपर बिखर गए, शोके से हर निकाह से पर बिखर गए। देखो तो दिल फरेबी है, अंदाज नक्श पाए, देखो तो दिल पर आबिए अंदाज नक्श पाए। मौजे खिराम यार भी क्या गुरकत गई है, मौजे खिराम यार भी क्या कतल गई। ये नगमा पसंद आया हुजूर? नाजू, तुम्हारे रुबाब की लर्जा की मौजों में जान डाल दी है। काश के मैं भी तुम्हारी तरह इस रुबाब के तारों को जिंदगी के सुरीले गीत से हम आहंग कर सकती।
काश कि मैं शहजादी साहिबा को जिंदगी का सुरीला गीत सिखा सकता, मगर आप कोशिश तो कीजिए शहजादी साहिबा। ऐसे इस हाथ को बढ़ाइए और इस उंगली को दबा दीजिए और इस कलाई को इस तरफ झुकाइए और इसको बिल्कुल ढीला कर दीजिए। हाँ, अब छेड़िए। ठीक शहजादी साहिबा, आपने मुंह क्यों फेर लिया? क्या मेरी निगाहों से कोई गुस्ताखी सरजद हुई? कहिए तो मैं इन्हें और आपके खूबसूरत चेहरे को अपनी बेनूर आंखों के पर्दे में छुपाए हुए आपके हुस्न की याद से सरमस्त सरशार आपके साथ साथ चलता रहूं और कदम कदम पर नया गीत सुनाता मंजिल मकसूद पर पहुंच जाऊं, जहां मोहब्बत के गीत हों, इश्क के नगमे हों, जहां नाजू अपने दिल का राज कहने से न डरे। जरीना, सारा काफिला तुम्हारी राह देख रहा है। मगर नाजू कहाँ है? नाजू वो तो जब से शहजादी के खेमे में गए हैं वापस नहीं आए। शहजादी? कौन शहजादी? चलो भी जरीना, नाजू का ख्याल छोड़ो, वो वापस नहीं आएगा।
वो तो हम समझ ही नहीं सकता है। नहीं नहीं राहत, नाजू ऐसा नहीं है, वो हम लोगों के साथ इस तरह हरगिज ना छोड़ेगा, मुझे यकीन है वो आएगा और जरूर आएगा। क्या नाजू यहाँ आया? तुमने नाजू को तो यहाँ नहीं देखा। अरे नाजू उस तरफ क्या है? किस तरफ? कहाँ? मैं भी नहीं देखा। नाजू कैसे जा सकती हूँ नाजू? आओ चलो। जरीना, जरीना, क्यों तुम खामोश क्यों नाजू? बोलो बोलो नाजू। जरीना, अब मेरी और तुम्हारी मंजिले मकसूद अलग अलग है, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। जरीना, वो हंसी और खुशी के दिन जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे थे मुझे कभी ना भूलेंगे। जरीना, तुम पर खुदा की बरकतें हैं, तुम जहां रहो शाद रहो, खुश रहो। ना करे ऐसा वक्त आए जरीना, खुश रहो। तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मेरे रहने में खुश हो तो आओ मेरे साथ चलो। जमीन से मोती
سوائے بادل سے کھل رہی ہے فضائے رنگی حیات دل گٹے کہ مجھ کو واپس بلا رہی ہے ٹوٹا جو کانٹوں سے اپنا دامن تو بڑھ کے دریا نے پیر تھام ٹوٹا جو کانٹوں سے اپنا دامن تو بڑھ کے دریا نے پیر تھام حجر کی ہر شام گو ہے نتی میں دہری بلا رہی ہے پوچھ کے بات کیسی آواز دل کے کانوں میں آ رہی ہے راحت گا رہا ہے کیا میں اسے بلا لوں ہاں ہاں بلا لو راحت راحت ہمارا پیغام دارالسلطنت فوراً پہنچاؤ اور آشخن تک پہنچنے میں کتنی منزلیں رہ گئی ہیں صدر اعظم صرف دو منزلیں اولیاء حضرت کو ہمارے پہنچنے کی اطلاع مل چکی ہے صدر اعظم بقایا انتظامات میری ہدایت کے مطابق بہت خوب حضور سہیل اس پریت نگر کا کیا حال ہے شہزادہ صاحب کے مزاج تو اچھے ہیں نا بہت خوب ہے حضور بہت خوب کیا شہزادی ناجو کی اصلیت سے واقف ہے مطلق نہیں اور شہزادہ صاحب جانتے ہیں کہ وہ کس سے محبت کرتے ہیں جی ہاں حضور دیکھنا کہیں تم بھی پریت نگر کا سفر نہ کرنے لگنا اور اگر کرنا تو بھاگنا نہیں کیا سمجھے حضور یہ انسان کے اختیار کی بات تو ہے نہیں آپ بزرگ ہیں کیجیے کہ خدا Thank you.
पालकी हमारी खाबगाह में पहुंचा दो। लेकिन अजायब कहाँ है? वो पालकी के हमरा नहीं आए, बाद में आते होंगे। कोई मुजायका नहीं, इस खिदमत के एवज में अजायब को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जाओ, घबराओ नहीं, मैं अभी आता हूँ और अपने हमरा एक गौहरे नायाब लाता हूँ। जाम पर जाम उड़ाओ, खूब खुशियां मनाओ। Thank you.
इतना रोया उल्फत में तेरी, इतना रोया बिन सावन मुझको न ताकत परिया, सजान गुलशन ने हसी को बेवहार किया, सजान गुलशन ने हसी को बेवहार। मुझे ताशकंद पहुंचने का हुक्म मिल चुका है। के शौहर यानी काशकंद के वली अहद का हुक्म। नाजू, मैंने तुम्हारे मुतालिक सख्त बेवकूफी से काम लिया है। मुझे अपनी नादानी का खुद एतराफ है। तुम इन सब वाकयात को भूल जाओ और कभी भूले से भी मेरे करीब आने की कोशिश न करना। ओ, तो ये कहिए कि हुजूर के दिमाग में इस वक्त अपने शौहर और आइंदा जिंदगी का पुरकैफ नक्शा घूम रहा है। अब एक गरीब मुगल के ख्याल की गुंजाइश कहाँ। दर हकीकत वो इसी बर्ताव का मुस्तहक था। मेरे नगमे, मेरा रुबाब आपके लिए सिर्फ खिलौने थे। जब उनसे दिल उकता गया, फेंक लिए, क्यों ना हो, इसी का नाम औरत है। नहीं नहीं नाजू, दिल नहीं उकता गया। मैं तुमको जानो दिल से चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हीं से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन पेशतर इसके कि मेरा जमीर मुझे अपने शौहर, अपने आका के साथ बेवफाई करने पर मुझे मलामत करे, मैं मर जाना बेहतर समझ। नाजू, समझने की कोशिश करो और मेरी मुहियों का ख्याल करो। मैं समझा। एक मुगली का एक शहजादे से क्या मुकाबला हो सकता है। मेरे प्यारे, लिल्ला मुझ पर रहम करो। मैं सिर्फ तुम्हें से मोहब्बत करती हूँ। जिस इंसान को कभी आँख से देखा भी न हो, जिसकी सूरत सीरत का कुछ इल्म न हो, उसको अपना रफीकी हयात बनाना एक मुसीबत है। तुम तो शहजादे के पास रहते हो नाजू, बताओ उनकी शक्ल कैसी है। ये ना पूछिए हुजूर, वो आपके शौहर हैं, आपके आका हैं, उनसे बेवफाई करना। नहीं नहीं, बताओ नाजू। मैं उनका नमक खार हूँ हुजूर, मुझे ये राज कहते हुए जरा डर मालूम होता है। बोलो। अगर आप ये वायदा करें कि मुझ पर कोई मुसीबत ना आने पाएगी, तो मैं कहने की जुरत भी करूँ। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो। काशकंद के वली अहद की बदसूरती की शोहरत तो दूर दूर तक है। उसकी नाक जरा लंबी और बेदाल है। जी हाँ, और वो काना भी है। अब मैं क्या करूं? और
और भी कुछ है? वो बात करने में चुतलाता भी है। खुदाया रहम करना। और हुजूर वो एक टांग से लंगड़ा भी है। परवरदिगार क्या मेरी किस्मत इससे फूटी थी। गम न कीजिए शहजादी साहिबा, वो आपके शौहर हैं, आपके आका हैं। शौहर जैसा भी हो बीवी को प्यारा होता है। और फिर वो तो काशकंद के वली अहद हैं। खैर इन बातों को दिल से भुला दीजिए और इस आखिरी मुलाकात पर एक ऐसा जश्न होना चाहिए जिसकी याद हम लोगों के दिलों से मरते दम तक न मिटे। मेरे आने से कबल जो गाना आप गा रही वही सही? नहीं नहीं नाजू, तुम ही कुछ सुनाओ। नहीं आज तो आपको सुनाना ही पड़ेगा, सुनाइए। ये क्या? आप खेमे से बाहर न जाइएगा, मैं देखता हूँ ये क्या है। अर्थराम, तुम आहन पोस्ट सिपाहियों के एक दस्ते के साथ दहनी तरफ से आगे बढ़ते जाओ। और सैगम, तुम तीर अंदाजों के एक दस्ते के साथ बाईं तरफ से आगे बढ़ते जाओ। मैं कासिम के खेमे की पुश्त पर रहूंगा। एक दस्ता खेमे के सामने से हमलावर हो। मेरे इशारे पर ख्याल रखो, जिस वक्त इशारा करूं फौरन हमला कर दो। याद रखो कोई बचकर जाने न पाए, एक एक को काट काट कर फेंक दो। परवेज अपनी जान बचाकर भागना चाहे तो उसे मैदान में आने का मौका दो, मैं उसे दस मदद करूंगा। आगे बढ़ो। दीवानगी है जरी ना, तुम मेरे साथ कहाँ जाओगी? राहत तुम इसको संभालो, मैं अभी आता हूँ। Uh-huh.
जरीना, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम्हें तो कोई ईजा नहीं पहुँची। शहजादा साहब, शहजादा साहब, शहजादा साहब कहाँ है? मैं मालूम नहीं, चारों तरफ जाओ और शहजादा साहब का पता लगाओ। शहजादा साहब, शहजादा साहब, शहजादा साहब, आप इतनी देर तक कहाँ थे? हमने आपको हर तरफ तलाश किया, कि खतरे में आपको इस तरह बाहर नहीं आना था। शिकम ने नसीब दुश्मना आप ही को खत्म करने की कसम खाई थी। वो कमबख्त अपनी सजा को पहुंच गया। शहजादा, 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 क्या हुआ जरीना? कैसी तबीयत है? राहत, तुमने ठीक कहा था, हमारी मंजिल अलग है, मुझे ले चलो राहत, मुझे ले चलो। शहजादा साहब का घोड़ा फौरन हाजिर करो। तुम सब लोग शहजादा साहब के साथ साथ रहना, तलवारों को नियाम से निकाले, हर वक्त तैयार रहना। शहजादी की महमिल की हिफाजत तुम्हारे सुपुर्द है, ख्याल रखना सिपाहियों का एक दस्ता महमिल के साथ ही साथ चले। राहत, मुझे क्या मालूम था कि नाजी शहजादा है? जरीना, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि नाजू हम लोगों की तरह से नहीं। अब सब भूल जाओ, चलो हम लोग अपनी जिंदगी का सफर दोबारा शुरू करें। किसी को मालूम होने से पहले ही हम लोग यहाँ से चलेंगे। चलो जरीना, आओ। खुदावंद आलम शहजादे को सलामत रखे और बुलंद इकबाल करे। वही देता है खुदा दिल से जो बंदा मांगे, चाहे दुनिया कोई या कोई उकबा मांगे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जहाँ खाना बदोश जाया करते हैं शहजादे साहब। आपने ठीक फरमाया था कि हमारी और आपकी मंजिलें अलग अलग हैं। नामुमकिन है, मैं अपने मौसम को कभी ना जाने दूंगा। जरीना, मैं तुम्हारा शुक्रिया क्यों कर अदा करूं? तुम्हें अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। अब इस खाना बदोशी को छोड़ दो, मेरे साथ मेरी सल्तनत में चलो और मेरी महल सराय में आज बस, बस। शहजादे साहब, महल सरा का है, हम गरीब खाना बदोशों को नहीं लुभा सकता। हम गरीबों की परवरिश तो इसी नीलगू आसमां के नीचे हुई है, जो आपकी बनावटी महल सरा से हमारे लिए कहीं ज्यादा आरामदेह है। आपकी महल सरा की चार दीवारी में तो हम गरीबों का दम घुट जाएगा। जरीना, क्या तुम मुझसे खफा हो? खफा? क्या फरमाया खफा? शहजादे साहब, आप अभी खाना बदोशों के सिर्फ जज्बाए मोहब्बत से वाकिफ हुए हैं, उनके गुस्से और खफगी से वाकिफ नहीं। शहजादी साहब आपके लिए बेकरार हो रही है। लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? कहाँ जा रही है? हर सुबह सफर हर शाम सफल, हर सुबह सफर हर शाम सफल, इस दुनिया का है नाम सफल, इस दुनिया का है नाम सफल। ये सब शहरों के धंधे हैं, ये फिर तो हवस के फंदे हैं, हम तो सलामी कहा
मेरी जान बख्शी फरमाइए, मोहब्बत का इजहार तो पहले मलका ही की तरफ से हुआ था हुजूर, इसमें कोई खता नहीं। नाजू से मोहब्बत करती हूँ। कहो, फिर कहो। क्या तुम ही नाजू हो?
तक न हुआ प्यार ही नाजू है। हाँ प्यारी, मही कासिम का वलिया है जिसकी बदसूरती की शोहरत दूर दूर तक है। सच कहो प्यारी, सच कहो, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। ओ, तो किसी और से? जी हाँ। किससे? Thank you.